हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग का जो इंटरनेट ब्राउजर होता है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है और कुछ नए वहां पर फीचर्स एड ऑन किए गए दोस्तों। ये नए फीचर क्या है, क्या अपडेट है, वो आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिए तो ही आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ थ्री डॉट्स पे और यहाँ जाना है अपडेट्स में। अपडेट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर का एक नया अपडेट मिल जाएगा, जो कि अभी रिसेंटली अभी अभी आया। आप देखेंगे ये कब आया है, मैं आपको बता देता हूँ ये कब की तरफ आया है। ये है अभी 4 मई को, मतलब आज ही के दिन इसको रोल आउट किया गया है, जो कि 130 MB का ये अपडेट दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही कमाल के यहाँ पर फीचर को एड ऑन कर दिया गया है, लाइक एक्टिवेशन ऑफ स्मार्ट एंट्री ट्रैकिंग फीचर डिफॉल्ट ऑन। मतलब बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ये ऑन रहेगा एंट्री ट्रैकिंग फीचर, कोई आपको ट्रैक ना कर सके या फिर ट्रैकिंग ना करे तो ये ऑटोमेटिक ये ऑन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है प्राइवेसी रिपोर्ट प्रोवाइडेड इन द क्विक एक्सेस पेज, आपको प्राइवेसी रिपोर्ट आपको क्विक एक्सेस पेज में मिल जाएगी। और सपोर्ट ड्रैग एंड ड्रॉप फॉर टैब ग्रुप एंड बुकमार्क, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं बुकमार्क्स को और जो भी आपने टैब को ग्रुप कर रखा है। और इम्प्रूव टूल मेनू एडिटिंग एसेबिलिटी, तो सिंपली आपको उसको कर लेना है अपडेट। अपडेट होने के बाद दोस्तों मैं बताता हूँ आपको क्या क्या नए फीचर आए हैं और कहाँ वो एक्चुअल में वर्क करने वाले हैं। तो इसको होने देते हैं अपडेट को। फाइनली दोस्तों ये अपडेट और डाउनलोड हो चुका है, आपको सिंपली यहाँ से इसको कर लेना है ओपन। ओपन जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इंटरफेस मिल जाएगा और आपको यहाँ पर बता देगा अपडेट टू सैमसंग इंटरनेट प्राइवेसी, मतलब कि प्राइवेसी पॉलिसी को यहाँ पर कुछ अपडेट किया गया, आपको यहाँ पर ओके कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो नया फीचर ये दिखा गया है स्मार्ट एंट्री ट्रैकिंग, जो कि वहां पर लिखा था। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा था सबसे पहला जो फीचर था एक्टिवेशन ऑफ स्मार्ट एंट्री ट्रैकिंग फीचर डिफॉल्ट ऑन, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वो मिल जाएगा, आपको इसको कर लेना है ऑन। देखेंगे आप यहाँ पर टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर टर्न हो जाएगा और आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। और यहाँ पर सबसे पहला फीचर तो ये था। उसके बाद जो सेकंड फीचर देखेंगे, सेकंड फीचर क्या था, प्राइवेसी रिपोर्ट प्रोवाइडेड ऑन द क्विक एक्सेस पेज, प्राइवेट एक्सेस आपको मिलेगा यहीं पर, जो कि आपको यहाँ पर मिल रहा है प्राइवेट के लिए, जो क्विक एक्सेस में आपको यहीं पर मेन्यू पे मिल रहा है प्राइवेसी वाला, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेसी रिपोर्ट प्रोवाइडेड ऑन द क्विक एक्सेस पेज। प्राइवेसी रिपोर्ट जो है आपको क्विक एक्सेस पेज पे मिल जाएगी, मतलब कि वो आपको यहीं की यहीं मिल रही है। तो सेकंड फीचर तो ये था। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर थर्ड फीचर दिया है, आप देखेंगे यहाँ पर सपोर्ट ड्रैग एंड ड्रॉप फॉर टैब ग्रुप एंड बुकमार्क बार, मतलब आप टैब ग्रुप में भी आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और बुकमार्क को भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो यह कैसे काम करेगा, तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने अपनी टैब्स को ओपन कर लिया। आप देखेंगे मेरे यहाँ पर बहुत सारी टैब्स यहाँ पर खुली हैं। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी टैब मुझे ऊपर की तरफ चाहिए और ये गूगल मुझे नीचे की तरफ चाहिए, कैसे काम करेगा, आपको यहाँ पर उसको प्रेस करके रखना है और अब यहाँ पर आपको ये मिल रहा है, एरो मिल रहा है, आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ऐड किया गया, आप जितने भी ऊपर इसको नीचे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा टैब में भी और सेम आप वहां पर आप अपने बुकमार्क में भी कर सकते हैं। तो बुकमार्क के लिए आपको करना क्या होगा, ये बुकमार्क में जाएंगे और यहाँ से आप इसको यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा बुकमार्क हो तो आप इजीली यहाँ पर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप टॉप ऑफ उस पर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एड ऑन था। और जो लास्ट फीचर दिया गया था इम्प्रूव टूल मेनू एडिटिंग एडिंग एसेबिलिटी, इम्प्रूव किया है टूल्स मेन को एडिटिंग एसेबिलिटी के अंदर। तो यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ जाएंगे इसके अंदर, इसके अंदर जाने के बाद आपको जाना होगा सेटिंग में। तो एसेबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं दिया गया, पर आप यहाँ पर वेब व्यू एंड इसका जो स्क्रॉलिंग है उसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं और यहाँ पर लेआउट एंड मेन्यू को भी यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं और अच्छे से इम्प्रूव कर दिया गया है। और साथ में कुछ आपको यूजफुल यहाँ पर जो फीचर्स हैं आप उसको भी यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यही नए फीचर थे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।